हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या सच में कैपेसिटर से बल्ब जलता है। मैंने बहुत से ऐसे वीडियो देखे हैं दोस्तों, जिसमें बताया जाता है कि कैपेसिटर से 1 घंटा बल्ब जलता है, 2 घंटा बल्ब जलता है, 3 घंटा बल्ब जलता है। तो आज हम प्रैक्टिकल करके देख ही लेते हैं कि क्या सच में कैपेसिटर से बल्ब जलता है। ये देखिए, बोर्ड में मैंने सप्लाई दे दिया। अब हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। यह 6 MFD का कैपेसिटर है दोस्तों। ये देखिए, इसको मैंने 220 वोल्ट पर लगाया तो कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है। अब चलिए बल्ब को चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए, बल्ब को भी मैंने 220 वोल्ट पर लगाया तो बल्ब हमारा जलने लगा, मतलब कि बल्ब हमारा सही है और कैपेसिटर भी सही है। तो अब हम कैपेसिटर से इस बल्ब को जला कर देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया। अब इस कैपेसिटर के तार में हम बल्ब का तार लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बल्ब तो हमारा नहीं जला, लेकिन हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अब चलिए कैपेसिटर को फिर से चार्ज करके देखते हैं। ये देखिए, 220 वोल्ट पर मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया। अब देखिए, बल्ब नहीं जला, लेकिन कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम कैपेसिटर के पावर को डबल कर देंगे। तो ये देखिए, दोनों 6 MFD का कैपेसिटर है। अब हम दोनों कैपेसिटर को इस तरह से पैरेलल में कनेक्शन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्शन कर दिया। अब हमारा कैपेसिटर का जो पावर है वो डबल हो गया। तो अब हम इन दो कैपेसिटर से बल्ब को जला कर देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने 220 वोल्ट पर कैपेसिटर को चार्ज किया। अब इसे जला कर देखते हैं। ये देखिए, बल्ब हमारा हल्का सा जला, बल्ब हमारा कुछ सेकेंड के लिए हल्का सा जला। चलिए एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बल्ब जो है हल्का सा जला। तो दोस्तों, कैपेसिटर से बल्ब नहीं जलाया जा सकता, ऐसा फेक वीडियो बनाया जाता है। आप चाहें जितना भी कैपेसिटर लगा लें, इससे बल्ब नहीं जलाया जा सकता है।